हे गाइस, जय श्री राम। मैं अभी आ चुका हूँ अयोध्या। ऑलमोस्ट अहमदाबाद से अयोध्या की जर्नी हमने 4 दिनों में कंप्लीट करके आज आ चुका है। आज हमारा 5वां दिन है और अयोध्या आ चुका है। आज से ही हमने यहाँ पे होटल के लिया और अभी निकल चुका है। अभी दोपहर के 2 बजे और अभी जाएंगे हम पहले हनुमानगढ़ी श्री हनुमान दादा के दर्शन करने के लिए और उसके बाद जाएंगे भगवान श्री राम लल्ला के दर्शन करने के लिए। ये देखो, यहाँ पे मेन एंट्रेंस, यहाँ से भगवान श्री राम लल्ला के दर्शन करने के लिए अंदर जाना है। आगे हनुमानगढ़ी, पहले हनुमान दादा के दर्शन करते हैं, उसके बाद जाएंगे भगवान श्री रामलला के दर्शन करने के लिए। ऑलमोस्ट हम यहाँ पे 2 दिन रुकने वाले हैं। 27 तारीख को तक यहाँ पे रुकने वाले हैं। आज है 25 जनवरी 2024 और चलिए चलते पहले हनुमान दादा के दर्शन करते हैं, उसके बाद भगवान श्री रामलला के दर्शन करते हैं और पूरा अयोध्या का टूर कराने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देख लेना। चलिए यहीं से चलते हैं हनुमान दादा के दर्शन। जय सियाराम। सो गाइस, फाइनली अभी हम आ चुके हैं हनुमानगढ़ी मंदिर। देख सकते हैं हनुमानगढ़ी का मंदिर है, यहाँ पे हनुमान दादा का मंदिर है। यहाँ पे पहले दर्शन करते हैं, उसके बाद यहीं से जाना है हमें। यहाँ पे श्री राम जन्मभूमि है तो पहले हनुमान दादा का दर्शन करते हैं। वहाँ ऐसा कहा जाता है कि हनुमान दादा है जो कि श्री राम जन्मभूमि उसके रक्षा करते हैं। तो चलिए पहले मंदिर के अंदर चलते हैं, उसके बाद जाएंगे यहाँ से श्री राम जन्मभूमि भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए। पीछे हनुमान दादा का मंदिर हमने अच्छे से दर्शन किए। देख सकते हो कितनी ज्यादा भीड़ है मंदिर के अंदर और काफी सारे लोग दर्शन करे, प्रसाद चढ़ा रहे हैं। ये रहा हनुमान दादा का मंदिर और ऐसा कहा जाता है कि हनुमान दादा जो राम श्री राम जन्मभूमि उसकी रक्षा करते हैं। यह रहा मंदिर। तो गाइस, जैसे अभी हमने हनुमानगढ़ी के अंदर हनुमान दादा के दर्शन किए, आपको भी करवाए, तो चलो यहीं से चलते हैं, अंदर जाते हैं। यहाँ पे श्री राम भगवान का मंदिर है तो मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए जाते हैं। यहाँ से जाने का रास्ता है तो इस तरह का कुछ एंट्रेंस है, बढ़िया तरीके से सजाया गया है। यहाँ आगे जाना है मंदिर की ओर दर्शन करने के लिए। पुलिस देखो, पुलिस आदमी है, सब कुछ हमारा रक्षा करने के लिए यहाँ पे तैनात है। यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पे इस तरह का कुछ बनाया गया है मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए जाने के लिए। सो गाइज, आते हैं यहाँ पे, पहले सिक्योरिटी चेकिंग करवाना पड़ता है, बैग वगैरह सब कुछ है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग करवाने के बाद आप जा सकते हो अंदर। इस तरह का है इसी है सिक्योरिटी चेकिंग, यहाँ पे बैग वगैरह सब कुछ है। तो यहाँ पे चेक करवाने के बाद ही आप अंदर एंटर हो सकते हो, ऐसा है। यहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग करवाने के बाद आप हमें जाना है आगे। सो गाइस, जैसे आप सिक्योरिटी चेकिंग करवाते हैं उसके बाद यहाँ पे लॉकर की सुविधा है। यहाँ पे जो भी आपका पर्सनल जो सामान है वो यहाँ पे रख के जाना पड़ेगा। मंदिर के अंदर कुछ भी अलाउ नहीं है। यहाँ पे मोबाइल, पर्स, जो भी सामान है आपको यहाँ पे रख के जाना पड़ेगा। इस तरह का कुछ लॉकर की सुविधा बनाई गई है। गाइस, जय सियाराम। फाइनली अभी हमने भगवान श्री राम लल्ला जी के दर्शन किए। वहाँ पे भगवान श्री राम लल्ला जी की वो बालक रूप में यहाँ पे मूर्ति स्थापित की गई है, वो काले रंग की है और बहुत ही अच्छे से हमने दर्शन किए। बहुत ही भीड़ थी मंदिर के अंदर, ऑलमोस्ट आपको हमने अब दर्शन करवाए। तो चलिए ऐसे चलते हैं यहाँ पे बाद, यहाँ हनुमानगढ़ी के ठीक बगल में यहाँ पे जनक भवन है और यहाँ पे दशरथ महल है। दोनों हम अभी एक्सप्लोर करने के लिए जाएंगे और जैसे ही आप दर्शन करके बाहर आओ तो यहाँ पे प्रसादी वगैरह सब कुछ दिया जाता है मंदिर की ओर से। और ले जाओ ऐसा कुछ है प्रसादी वगैरह। देखो कितनी भीड़ है मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए जाने के लिए। लोग यहाँ पूरा घूम के, आधे किलोमीटर से ज़्यादा आप पूरे घूम के जाना पड़ेगा मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए। तो गाइस, ये है दशरथ महल। दशरथ महल के अंदर चलते हैं, पहले दिखाते हैं आपको।
अंदर से कैसा? दशरथ महल के ठीक आगे ही बहुत ही बड़ा पीपल का पेड़ है। जैसे लोग यहाँ पे कुछ उसकी जो लकड़ी वगैरह ले रहे, देखो वहाँ पे लंबी लाइन है। महल के अंदर चलते हम। सो गाइस, पीछे आप देख सकते हैं दशरथ महल है जी। राम भगवान जो छोटे थे तब से यहाँ पे बड़े हुए, ऐसा उनका पिताजी का महल है। दशरथ महल इसको कहा जाता है, कुछ इस तरह का महल है बढ़िया सा। और अभी दर्शन, इसका टाइमिंग है दर्शन का शाम सुबह और शाम 4 बजे के बाद ही यहाँ पे खुलता है। तो आप जब भी आओ तो 4 बजे के बाद ही आना यहाँ पे मंदिर, ये महल का दर्शन करने के लिए। कुछ ऐसा महल है। सो गाइस, यहाँ पे है राम भरत मिलाप, जो कि दशरथ महल के ठीक बगल में आया हुआ है। हनुमान गढ़ी में या हनुमान मंदिर के ठीक बगल में यहाँ पे है राम भरत का मिलाप यहाँ पे हुआ था। जय श्री राम। कर लो भैया मथा टेक लो। ये दोस्त, हम गुजरात से आए। वाह, बड़ी बात है बेटा। क्या है ये राम भरत मिलाप है? राम जी 14 साल के बाद लंका से आए, रावण को मारकर भविष्य को राज देकर, तो इसी गद्दी में प्रभु राम जी चारों भाई से गले मिले थे। इसी गद्दी में बीच में राम दाहने सीता, भरत मांडवी, लक्ष्मण उर्मिला, शत्रुघ्न स्फूर्ति, अंजनी हनुमान, नीचे बैठे शिवरी अम्मा, जो राम जी को भोग लगाई। भोग लगाए इसी स्थान पर। राजा राम जी 14 साल के बाद आने के बाद रोटी खाए थे राम जी इसी स्थान पे। हाँ जी, जय श्री राम। जय श्री राम। लो तीर्थ लो, आओ जाओ, तुम्हारी यात्रा सफल है बेटा। कई भाई हो? कितना भाई थे? सब परिवार तुम्हारा सुखी रहे। ये थरियम तो है दी बेटा भंडार में बच्चे। सो गाइस, अभी हम आ चुके भगवान श्री राम, जहाँ वनवास दौरान पूरा वनवास खत्म करके यहाँ पे आए थे और चारों भाई से मिले थे। ऐसी जगह है, यह पवित्र जगह है। यहाँ पे आके उन्होंने बैठे थे भगवान, सभी भाइयों से मिले थे। ऐसी जगह है ये। जय श्री राम गाइस, अभी हम जा रहे हैं कनक भवन देखने के लिए, जो कि श्री राम भगवान और सीता मैया वहाँ पे रहे करते थे। वो महल आगे है, हमने एक दशरथ महल देखा, उसके बाद यही से बगल में उसके पास में यहाँ कनक भवन, तो वह देखने के लिए चलते। सो गाइज, अभी हम आ चुके कनक भवन। पीछे आप देख सकते हो बहुत ही बड़ा ये महल है, जो कि श्री राम भगवान और सीता मैया यहाँ पे रहा करते थे। कुछ इस तरह का महल है, बहुत ही बड़ा महल है, येलो रंग का महल है। चलो अभी महल के अंदर चलते हैं और आपको भी दर्शन करवाते हैं। तो कनक भवन के अंदर अभी हम आ चुके, बहुत ही बड़ा महल है, देख सकते हो यहाँ पे, दर्शन कर सकते हो। अंदर है श्री राम भगवान और सीता मैया का महल है, कुछ इस तरह का अंदर से कुछ इस तरह का दिखता है। चलिए अंदर चलते हैं और दर्शन करवाते हैं आपको। यहाँ पे टाइमिंग आप देख सकते हो, यहाँ पे वीडियो प्ले करके आप यहाँ पे टाइमिंग देख लेना, जब भी आओ यहाँ टाइमिंग देख के आओ। तो गाइज, अभी बजे शाम के 5 बजे और हम आ पहुँचे हैं जहाँ पे लता मंगेशकर चौक इसको कहा जाता है। पीछे आप देख सकते हो इस तरह का कुछ वीणा, बहुत ही बड़ी वीणा रखी गई है। ये पूरा लता मंगेशकर चौक है, कुछ इस तरह के बहुत सारे लोग यहाँ पे फोटोग्राफी करवा रहे हैं और ऐसा नज़ारा है शाम का। और यहाँ पे है राम की बेड़ी, हम थोड़ी देर बाद जाएंगे, पहले लता मंगेशकर चौक का देख लेते हैं, उसके बाद जाएंगे राम की बेड़ी। यहाँ से अयोध्या श्री राम भगवान की जन्मभूमि जाना तो सीधा जाना है हनुमान गढ़ी वहाँ पे है। और यहाँ से लखनऊ जाना तो ये वाला रास्ता है, लखनऊ के बाहर जाता है। यहाँ पे बाजू में यहाँ पे महर्षि, यहाँ पे हवाई अड्डा है, वो बाजू में ही आया हुआ है। कुछ इस तरह का है लता मंगेशकर चौक। आप देख सकते हो लता मंगेशकर चौक कितना बड़ा यहाँ पे बनाया गया है।
है, कुछ इस तरह का नजारा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे घूमते हैं। देखो ये वाला रोड, देखो यार कितनी बहुत ही गजब तरीके से इसको बनाया गया है। बहुत ही अलग अलग डेकोरेट किया गया है। अभी शाम भी होने दो, शाम भी यहाँ पे लाइटें बहुत ही अच्छी डेकोरेट होती है। तो चलिए यहीं से चलते हैं, पहले राम की बेड़ी चलते हैं, उसके बाद हम नाइट का डेकोरेट आपको बताएंगे कि कैसा नज़ारा है नाइट का। हे गाइस, जय सियाराम। अभी मैं आ चुका हूँ घाघरा नदी पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह का कुछ नज़ारा है। अभी शाम के बजे है 5:30 और इतनी ठंड लग रही है कि बाद ही क्या करें। कुछ इस तरह का नज़ारा है घाघरा नदी का। यहाँ से कुछ रिवर के वहाँ पे डाइवर्ट किया गया है, वहाँ पे राम की पेड़ी बनाया गया है, वो भी आपको थोड़ी देर में दिखाता। कुछ इस तरह का घाघरा नदी का रिवर है। ये जो सेतु है वो सरयू सेतु है, और यहाँ पे बोटिंग वगैरह सब कुछ होता है। आपको बैठना है तो यहाँ पे पैसे पे करके बैठ सकते हो। कुछ इस तरह का नज़ारा है सरयू ये सेतु है। सो बहुत ही मज़ा आ रहा है। अयोध्या के अंदर एक बार जरूर से आप घूमने के लिए आओ। अभी तो बहुत काम भी चल रहा है, तो पूरा हो जाएगा तो कितना बढ़िया ये अयोध्या नगरी दिखेगी भगवान श्री राम की। तो चलिए यहाँ पे बाजू में यहाँ पे राम की बेड़ी वो दिखाते हैं आपको। तो गाइस, अभी मैं आप पहुँचा हूँ राम की बेड़ी। आप देख सकते हैं इस तरह का कुछ राम की बेड़ी है। यहाँ पे जो नदी है घाघरा नदी, इसको डाइवर्ट करके यहाँ पे घाट बनाया गया है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे नहाते हैं, यहाँ पे चरण हाथ पग धोते हैं यहाँ पे भगवान को। सो गाइज, नाइट में हमारी अयोध्या नगरी भगवान श्री राम की अयोध्या नगरी कुछ ऐसी लगती है। आप देख सकते हो बहुत ही गजब का डेकोरेट किया गया है, और सजावट देखो अयोध्या नगरी के पीछे है लता मंगेशकर। तो ये वाली साइड जाने हैं हम, भगवान श्री राम का जन्मभूमि वहाँ पे मंदिर है। तो इस तरह का कोई नाइट का डेकोरेट है। जय सियाराम गाइज, अब सुबह से लेकर शाम तक हम पूरी अयोध्या नगरी को विजिट की, बहुत सारी अलग अलग जगह को आपको दिखाया। तो यहाँ आगे है भगवान श्री राम की जन्मभूमि और कुछ इस तरह का नज़ारा नाइट का। सो आई होप कि अगर आपको हमारे व्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में जय सियाराम लिख देना। जय सियाराम।